द कश्मीर फाइल्स पर राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा में धारा 144 लागू करने से देश भर में सियासी बवाल शुरू हो गया। इस पर गहलोत सरकार ने इसे लेकर एक नया कदम उठाया। अब कोटा में दर्शक धारा 144 के लागू रहने के बावजूद द कश्मीर फाइल्स मूवी देख सकेंगे, लेकिन सिनेमाघरों से बाहर निकलने के बाद धारा 144 का पालन करना होगा। कोटा के एडीएम राजकुमार सिंह ने कहा कि इस फिल्म को देखने के बाद दर्शक भावुक हो जाते हैं और बाहर आकर माहौल खराब न करे, इसके लिए धारा 144 लागू की थी। बीजेपी का आरोप है कि देश भर में फिल्म द कश्मीर फाइल्स की लोकप्रियता के बाद गहलोत सरकार को इसे रोकने का ये षड्यंत्र है। बीजेपी का कहना है कि धारा 144 के लागू करने से दर्शक भयभीत हो जाएंगे, फिल्म देखने के लिए सिनेमाघर जाने से डरेंगे। भले ही फिल्म को देखने पर रोक न हो, लेकिन धारा 144 के तहत 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक के चलते पुलिस को दर्शकों को परेशान करने का हथियार मिल गया। इससे पहले फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछा कि क्या लोगों के फिल्म देखने के अधिकार पर राज्य का कुठारघात नहीं, इससे क्या आतंकियों के डर के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। सोमवार शाम को कोटा में एक महीने के लिए धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज़।